वेलकम टू द चैनल आज के इस वीडियो में टॉर्ट के बारे में पढ़ा जाएगा टॉर्ट बेसिकली है क्या और ये कितने टाइप का होता है और इस टॉपिक से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी डिस्कस किए जाएंगे तो सबसे पहले टॉर्ट इट इज़ एन एक्ट दैट गिव राइज टू इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन मतलब आपका कोई भी ऐसा काम जिससे किसी इंसान को इंजरी हो रही है या हो सकती है तो वो जो है टॉर्ट कहलाएगा। जाएगा इट इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी मतलब हम कोई भी जो ऐसा काम हमारा है, जिसे जो है किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो टॉर्ट की कैटेगरी में आता है अब जो है टॉर्ट जो है कितने प्रकार का होता है तो टॉर्ट जो है तीन प्रकार का होता है इंटेंशनल टॉर्ट क्विजी इंटेंशनल टॉर्ट और अन इंटेंशनल टॉर्ट तो जो इंटेंशनल टॉर्ट है वो फर्दर जो है असॉल्ट बैटरी फॉल्स इंप्रीजमेंट फ्रॉड इंट्रूजन में डिवाइड होता है और जो क्यूज इंटेंशनल टॉर्ट है उसमें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी डिफेमेशन या रेप्रोटेशन और जो अन इंटेंशनल है उसमें नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस आता है सबसे पहले इंटेंशनल टॉर्ट। इट इज सिविल रॉन्ग और गिव राइज टू इंजरी और हार्म टू अनदर पर्सन और ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंटेंशनल डिजायर मतलब अगर कोई पर्सन जो है किसी इंसान को जो है मतलब जानबूझकर जो है इंटेंशन के साथ हार्म पहुंचा रहा है या उसको जो है ये रियलाइज करा रहा है कि उसका जो है वो नुकसान कर सकता है तो वो इंटेंशनल टॉर्ट में आता है तो सबसे पहले असल्ट तो असोल्ट का मतलब है कि सिर्फ जो है किसी इंसान को थ्रेटन करना है या मतलब उसको सिर्फ डराना है जैसे कि कोई इंसान जो है मतलब ये कर सकता है कि पत्थर उठाया और सामने कोई इंसान है तो उसको मतलब ऐसे जो है बोल सकता है कि तो मैं तुम्हें पत्थर की मारूंगा तो सामने वाले को लगेगा कि वो मार सकता है तो वो थ्रेटनिंग तो जो असॉल्ट है उसमें जो है कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं करता है पर्सन सिर्फ जो है उसको मतलब जो ऑब्जेक्ट है पर्सन है उसको लगेगा कि थ्रेटनिंग होगी मतलब इट इज़ एन एक्ट ऑफ अनलॉफुल थ्रेट और अटेम्प्ट टू बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन विदाउट कॉन्टैक्ट तो इसमें जो है जो मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या कोई भी पर्सन है वो जो है कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनाता है सिर्फ जो है मतलब जो उसके एक्शन है उससे जो है थ्रेटन करता है जैसे कि जो है जो नर्स है वो जो है किसी छोटे बच्चे को बोल सकती है कि अगर जो है तुम शांत नहीं बैठोगे तो वो तुम्हें जो है इंजेक्शन लगा देगी मतलब उसमें वो इंजेक्शन नहीं लगा रही है बट वो जो है उसको डरा रही है कि वो उसके साथ उसको इंजेक्शन लगा सकती है नेक्स्ट बैटरी इट इज एन अनलॉफुल और इंटेंशनल टचिंग ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट दैट मे और मे नॉट कॉज हार्म मतलब अगर हम किसी इंसान को बिना किसी कंसर्ट से या बिना पूछे जो है फिजिकली टच कर रहे हैं तो वो जो है बैटरी कहलाया जाएगा द फिजिकल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इज डन एंड मे और मे नॉट परसीव एज इंजरी और हार्म टू अनादर पर्सन एंड इट इज डन विदाउट कंसेंट Uh, जैसे कि मतलब जो है कोई डॉक्टर अगर इमरजेंसी में कोई प्रोसीजर कर रहा है बिना किसी कंसेंट के तो वो जो है बैटरी में कंसिडर होगा क्योंकि ये जो है अनऑथराइज्ड है कि किसी पेशेंट को जो है बिना कंसेंट के टच करना उसके बाद है नेक्स्ट फॉल्स इम्प्रीजमेंट एनी काइंड ऑफ अनलॉफुल रिस्ट्रेंट ऑन अ पर्सन अगेंस्ट देअर विल इज़ कॉल्ड फालस इम्प्रीजमेंट मतलब जो है अगर कोई इंसान जो है मतलब हम उसको जानबूझ कर जो है एक ही जगह पे फिक्स कर रहे हैं कि यहीं बैठने के लिए बोल रहे हैं तो वो जो है फाल्स इम्प्रीजमेंट में आता है जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है अगर पी के किसी एक वार्ड में जो है बंद कर दिया गया या फिर किसी पेशेंट को जो है मतलब Uh, जो है कहीं पे री कर दिया गया है जबरदस्ती अनलेस की वो जो है मेंटली रिटार्डेड नहीं है तो वो जो है फॉल्स इंप्रीजमेंट में आएगा नेक्स्ट फ्रॉड रॉन्गफुल और क्रिमिनल डिसिप्शन इंटेंडिंग टू रिजल्ट इन फाइनेंशियली और पर्सनल गेन मतलब किसी भी इंसान को मतलब कोई भी अपना पर्सनल या फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए जो है किसी इंसान के साथ जो है क्रिमिनल या रॉन्गफुल एक्ट करना तो वो फ्रॉड के अंदर कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट इंट्रूजन इट इज एन अनवेलकम इंटरप्शन और सिचुएशन वेयर सम वन प्राइवेट हैज एन अनवेलकम विजिट जैसे कि मान लो कि किसी का जो है कुत्ता है वो जबरदस्ती आपके घर के किनारे में आ रहा है और वहाँ पर जो है चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रहा है और जो है तो वो इंट्रूजन है कि मतलब कोई जबरदस्ती आ रहा है और आपके घर में अपना राज कर रहा है और नुकसान कर रहा है जैसे कि इंक्लूजिव पर्सन में आता है सम वन और समथिंग दैट इन्वेड पर्सनल स्पेस दैट वी कम टू बी इन्वॉल्व एंड दैट कम टू क्लोज विदाउट बींग इन्वाइटेड मतलब जैसे कि आपके घर में कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया और आपके घर के जो है सारी चीज़ों को जो उठा रहा है उठा रहे हैं फेंक रहा है या कुछ भी उनके साथ हाथ लगा रहा है तो वो इंट्र्यूजन में आएगा और एग्जाम्पल में एक और अल्थ केयर प्रोवाइडर जो है मतलब वो बार बार जो है किसी पेशेंट के पास जो है मतलब अपनी फिजिकल प्रजेंस भी दे रहा है विदाउट एनी अ थ्योरापेटिक परपज मतलब वो जो है कोई थ्योरापेटिक पर्पज़ नहीं है बट फिर भी बार बार किसी पेशेंट के सामने मतलब जो है फिजिकल प्रेजेंस दे रहा है तो वो भी एक इंट्रूजन में आता है नेक्स्ट क्विजी इंटेंशनल टॉर्ट अ रॉन्गफुल एक्ट बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन कमिटेड बाई अ पर्सन और एंटिटी अगेंस्ट एन अदर पर्सन दैट कॉज इकोनॉमिक हार्म और डैमेज टू द रेपटेशन मतलब जो क्विजी इंटेंशनल टॉट होता है इसमें जो है मतलब कोई फिजिकली जो है हम पेशेंट को हार्म नहीं करते हैं बट जो हमारे जो मतलब कम्युनिकेशन के मेथड जैसे कि वर्बल हो गया या रिटर्न हो गया तो इन बहुत तरीकों से जो है मतलब इंटेंशन नहीं होगा बट बातचीत के दौरान जो है हम किसी की प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं तो वो जो है क्विजी इंटेंशनल टॉट में आता है। सबसे पहले इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी तो इसमें जो है शब्द से ही पता चल रहा है कि किसी पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको लीक किया जा रहा है मतलब किसी भी वर्बल जो कम्युनिकेशन है तो उसके थ्रू जो है अगर किसी पर्सन की प्राइवेसी लीक हो रही है तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी में आएगा नेक्स्ट डिफर्नेशन या रेपोरेशन तो इसमें दो चीज़ें आती है सिलेंडर एंड लेबाइल तो जो सिलेंडर है उसमें जो है वन पर्सन वर्बली ट्राई टू डिक्रीज सम वन रेपोटेशन इन सोसाइटी अगर कोई इंसान जो है वर्बली किस इंसान की रेपोटेशन को डिक्रीज करता है तो वो सिलेंडर में आएगा और जो लेबाइल है इसमें जो है जो इंसान है या कोई भी है तो वो जो है थ्रू पेज या लेटर जो है ट्राई करता है कि किसी पेशेंट की रेपोटेशन को वो डिक्रीज करे सोसाइटी में नेक्स्ट अन इंटेंशनल टॉट तो उसमें आता है नेग्लिजेंसे सबसे पहले इन्वॉल्व अ पर्सन फेलियर टू एक्सरसाइज केयर इन द वे दैट अ रीजनेबल पर्सन वुड हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन मतलब जैसे कि अगर कोई इंसान मतलब जो उस काम को कर रहा है वो करते वक्त जो है उसको उतने जितना मतलब जो है उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से नहीं कर रहा है तो वो नेग्लिजेंस ही आएगा जैसे कि कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो कैनुला लगा रहा है तो उसने जो है इजी फिक्स को जो है अगर ढंग से फिक्स नहीं किया है और थोड़ी देर के बाद कैनुला डिसप्लेस हो रहा है तो वो नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है मतलब जो नेग्लिजेंस है उसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर काम तो करता है लेकिन वो मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं करता है जिसकी वजह से मतलब आगे चल के जो है पेशेंट को हार्म हो भी सकता है या फिर जो है मतलब मे और मे नॉट बी हार्म नेक्स्ट है माल प्रैक्टिस इट स्पेसिफिकली रिलेड टूसेंस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफर इसमें जो इंसान होगा वो मतलब जो है काम ही नहीं करेगा मतलब हु फेल टू प्रोवाइड सर्विस वो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करेगा जो उस एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ केयर में चाहिए जैसे कि जो है जो नर्स है वो जो है ड नॉट फॉलो डॉक्टर ऑर्डर मतलब जो नेग्लिजेंस और माल प्रेक्टिस में अंतर इतना सा है कि नेग्लीजेंस में जो है अगर जैसे कि कोई नर्स होगी उसने जो है गलती से रॉन्ग मेडिसिन पेशेंट को दे दी तो वो जो है नेग्लिजेंस में आएगा बट अगर नर्स ने जो है मेडिसिन ही नहीं दी पेशेंट को खाने के लिए तो वो जो है माल प्रैक्टिस में आएगा नेक्स्ट जो इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें इन द अब्सेंस ऑफ नर्स फ्रॉम फ्लोर पेशेंट फॉल फ्रॉम द बेड दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंगिंग टू तो ऑप्शन नंबर ए बैटरी टॉट नेग्लिजेंस या नन ऑफ दीज तो इसमें जो है जो थर्ड ऑप्शन है नेग्लिजेंस वो जो है राइट right आंसर है नेक्स्ट अ कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट रीजनेबली प्यूरिडेंट पर्सन वुड हैव इन अ सिमिलर सिचुएशन कॉजिंग हार्म टू अनादर पर्सन इज कॉल्ड ऑप्शन है नेग्लिजेंस बी लेबाइल सी स्लेंडर डी एसॉल्ट तो इसका जो है जो राइट right आंसर है वो है नेग्लिजेंस क्योंकि इसमें लिखा है कि ओमिशन ऑफ एक्ट तो इसमें जो है जो पर्सन है वो एक्ट तो कर रहा है बट वो जो है एकट नहीं कर रहा है तो वो एक नेग्लिजेंस की कैटेगरी में है। और जो है नेक्स्ट माल प्रैक्टिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए अन इंडिशनल टॉट बी एसॉल्ट सी बैटरी और डी इंटेंशनल टॉर्ट तो जो माल प्रैक्टिस है वो अन इंटेंशनल टॉर्ट में आता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग इज कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट फर्स्ट वन फॉल्स इंप्रीजमेंट सेकेंड माल प्रैक्टिस थर्ड नेग्लिजेंस नेक्स्ट नन ऑफ दिस तो इसमें जो राइट right आंसर है वो है फॉल्स इंपरीजमेंट Next question absence of an informed consent while performing a procedure on patient can lead to option a fraud b assault and battery c harassment and d malpractice तो जो है अगर जो है किसी इंफॉर्म uh, कंसेंट से जो है वो नहीं कर रहा है तो वो असल्ट एंड बैटरी में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपलिकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट अ लॉफुल जस्टिफिकेशन असोल्ट नेगलीजेंस लेंडर माल प्रैक्टिस तो ये भी एक असल्ट है थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो कमेंट कर सकते हो और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो सजेस्ट कर सकते हो थैंक यू